मतलब हम इसे मराठा शासन के अधीन रखेंगे, लेकिन अपने किसी व्यक्ति को शहंशाह नहीं बनाएंगे। हम रक्षक हैं, हमारे हाथ में कमान रहनी चाहिए। राज तो हमें चलाना है लेकिन गद्दी पर नहीं बैठना। लेकिन श्रीमंत, ये तख्त हम खाली भी तो नहीं रख सकते। बताओ शहंशाह, हम शाहजहां तीन की ताजपोशी करेंगे। यो एकदम सही फैसला लियो है जी आपने। हमारी राय में इमाद ने फिर से वजीर बना दिया जाए। नहीं, क्यों नहीं? क्यों नहीं, आप ये अच्छी तरह जानते हैं। अरे घना योग्य आदमी से है। ये बहुत योग्य हो सकता है लेकिन वजीर बनने के लायक नहीं। श्रीमंत, मैं तो यही उम्मीद में मराठा मुहिम को समर्थन करी कि आप इमाद ने वजीर बना देंगे। सूरजमल जी, दिल्ली में क्या होना उसका फैसला हम पेशवा लेंगे। वजीर कौन बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, इससे आपका क्या लेना है? और ये इमाद आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वादा क्यों कर सो? वादा? कैसा वादा राजा जी? इमाद ने आपसे क्या वादा किया था? इमाद ने मुझसे आगरा का किला देने को वादा किया तो? आगरा का किला? आराम खोर, तो होता कौन है आगरे का किला देने वाला? किला वो देते हो फिर बजीर चाहे जितने बढ़ा लो मेरी बुलाते हैं। दिमाग तो ठीक है राजा जी। श्रीमंत तुरंत आइए, लगता है अफगान फौज जमुना पार पहुंच रही है। अब क्या कहेंगे भाऊ, अब्दाली की सेना यो खड़ी से और मारी फौज एड़े थड़ी से, आगरे को किलो दोगे क्या? मैं अपनी फौज लेकर निकलो। सूरजमल जी, इस समय हमें आपके साथ की बहुत जरूरत है। हमारा साथ नहीं दिया तो ज्यादा घाटा आप ही का होगा। अगर अब्दाली जीत गया तो भी आपको किला नहीं मिलने वाला। बस वो जो भी हो, या तो हमारी बात मान लो वरना मैं चलियो। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। ठीक है श्रीमंत, मैं थारी मुहिम से अलग। राजा जी ना लाराव जी, ये भी हो ना कहियो कि मैंने कोशिश नहीं करी। मौसाहेब, रोकिए उसे। सुजा के जाने के बाद भी इसी अकेले का सहारा है हमें, हमारे देखते देखते चला जा रहा है, उसे मना लीजिए। और बदले में उसे आगरे का किला दे। आज आगरा मांग रहा है, कल पूड़े मांगेगा। मल्हारराव जी, हम यहां किलों की दलाली करने नहीं आए। हमने एक राष्ट्र का सोचा था, और अगर राजा जी उसका सम्मान नहीं करते। एक राष्ट्र? क्षमा करना श्रीमंत, आप एक हिंदुस्तानी सेना का राग आलापते रहते हैं, आप समझते क्यों नहीं है? यहां सिख है, राजपूत है, जाट है, रोहिल्ला है, मुगल भी है, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं है। होड़कर काका, अब इन बातों का समय नहीं है, शत्रु हमारे सामने खड़ा है। लेकिन जंको जी, सूरज में जाने के बाद में हमारी संख्या और कम हो गई है, और कहीं से फौज आने की संभावना भी नहीं है। काका, हम पिताश्री को और सेना भेजने के लिए लिखे? नहीं, पुणे की स्थिति तुम जानते हो, हम अपनी समस्या पेशवा पे नहीं ला सकते। फिर क्या करें? हम अपनी सेना नहीं बढ़ा सकते लेकिन दुश्मन की संख्या तो कम कर सकते हैं।